मैं कैसे मौन रहूं, देश के किसानों पर हो रहा अत्याचार है। एक बार फिर मोदी सरकार का देश के किसानों पर प्रहार है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, देश के किसानों पर अत्याचार अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आखिर क्यों ये नारे गूंज रहे हैं? आखिर क्यों देश का किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया है? क्योंकि एक बार फिर राज्यसभा में तीन काले किसान विरोधी कानून विपक्ष की गैर मौजूदगी में लोकतंत्र की निर्मम हत्या करके ध्वनिमत से पारित किए गए हैं। इन काले कानूनों में कहीं पर भी एमएसपी का उल्लेख नहीं है, जिसका सिर्फ फायदा पूंजीपति मित्रों को होगा, किसानों को बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये किसानों पर अत्याचार करने का काम मोदी सरकार कर रही है। आज हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि एक कोरोना काल में, एक मुश्किल समय में भी देश के किसानों ने, जब जीडीपी 23.9% से नीचे गिरी थी, तो उसमें उसको कहीं ना कहीं बचाने में देश के किसानों ने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से जीडीपी को बचा के रखा और कृषि दर में 3.4% विकास दर थी। तो आज किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा है? आज स्पीक अप फॉर फार्मर्स अभियान के तहत मैं नेहा भगत केंद्र सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि देश के किसानों पर अत्याचार बंद किया जाए, एमएसपी का एश्योरेंस और इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और देश के किसानों पर अत्याचार करने का काम मोदी सरकार बंद करे। जय हिंद, जय भारत।